ड्रेसर्स, वेलकम टू रिचार्ज मैनर। लेडीज या गर्ल्स के पास कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिनमें वो नॉर्मल ब्रा का यूज़ नहीं कर सकती हैं, क्योंकि स्ट्रैप दिखता है तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए क्या करना है कि या तो फिर आप यूज़ करिए स्ट्रैपलेस ब्रा या फिर क्लियर स्ट्रैप ब्रा, उसके जिसके लिए मिनिमम आपको 400 से 500 रुपये खर्च करने होंगे, या फिर अपनी पुरानी ब्रा को ही क्लियर स्ट्रैप ब्रा में कन्वर्ट कर लीजिए मात्र 20 या 30 रुपए खर्च करके। तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी चलिए देख लेते हैं। उसके लिए एक पुरानी ब्रा चाहिए जो आपके यूज़ में हो अभी, और सुई और धागा, एक सेट क्लियर स्ट्रैप जो मार्केट में आसानी से होजरी की शॉप में मिल जाता है जहाँ अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, और सीजर्स। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरीके से दिखते हैं। तो ये क्लियर स्ट्रैप है, इसमें दोनों साइड में हुक लगे होते हैं स्टील के, इस तरह से मेटल के, और ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक लूप दे रखा होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये इसका अपना स्ट्रैप है इसको पहले हम इससे अलग कर देंगे, तो और बैक साइड के स्ट्रैप को इस तरह से यहाँ पर काट कर यहाँ पर मोड़ के यहाँ पर स्टिच कर देंगे। चाहे तो हाथ से सिल लीजिए या फिर मशीन से सिल लीजिए। तो चलिए पहले इसको अलग कर लेते हैं। एक प्लास लेंगे और उसे, ये प्लास्टिक का है तो आसानी से कट जाएगा, स्टील का हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो ये इसको काट के और मैं निकाल रही हूँ। इसी तरीके से दूसरा भी निकाल लेंगे और स्ट्रैप को अलग कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो ये बैक साइड वाला पार्ट है स्ट्रैप का, इसको एक इंच एक्स्ट्रा काटते हुए, क्योंकि हम इसको यहाँ पर मोड़कर स्टिच करेंगे, तो इसको हम यहाँ पर एक से डेढ़ इंच एक्स्ट्रा काटकर निकाल देंगे, अलग कर लेंगे। तो ये अलग हो गया, इसका अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अलग कर देते हैं इसे। और अब ये पीछे वाला जो स्ट्रैप है इसको हम मोड़कर यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर मैं सुई धागे से हाथ से कर रही हूँ, आप चाहें तो मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम मजबूती से सिल लेंगे, अंदर के साइड से लेंगे धागे को, जिससे कि स्किन पर कहीं भी ये रैश ना करे। तो ये स्टिच हो चुका है और अब इसमें हम अटैच करेंगे ये क्लियर स्ट्रैप। बहुत ही आसानी से अटैच हो जाती है। आप ध्यान रखिए जो ये लूप आप बना रहे हैं स्ट्रैप से, तो इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करें, क्योंकि अगर बड़ा रहेगा तो ये स्ट्रैप इसमें से निकलने का डर रहता है। छोटे से छोटा बनाइए जिसमें कि आसानी से लूप हुक इसका अटैच हो जाए। इसी तरीके से हम दूसरा भी स्टिच कर लेंगे। और इसको एडजस्ट करने के लिए जो यहाँ पर ये लूप दे रखा है इसमें से आप इसको खिसकाकर स्ट्रैप को और अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसको अब यहाँ पर अटैच कर देंगे दोनों साइड में, और बिल्कुल तैयार हो गई है आपकी क्लियर स्ट्रैप ब्रा। आप इसको किसी भी ऐसी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं जिसमें कि स्ट्रैप दिखे तो ख़राब लगता है। तो आप जब और इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर मोटा लगता है, नहीं लूप होकर यहाँ पर लगता है स्ट्रैप का, क्लियर स्ट्रैप का, तो आप इस तरीके से इसको मोड़कर जो एक्स्ट्रा हमारे पास बची हुई थी स्ट्रैप उसमें से मोड़कर आप इसके पीछे यहाँ पर इसको स्टिच कर दीजिए और फिर इसके अंदर ये क्लियर स्ट्रैप को अटैच कर दीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से सिर्फ 20 या 30 रुपए खर्च करके क्लियर स्ट्रैप ब्रा तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।